अमित शाह के दौरे के पहले प्रदेश में सियासत उफान पर है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि अमित शाह सरोज पांडे का बर्थडे मनाने आ रहे हैं। इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है, दुर्ग कांग्रेस का गढ़ है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के बयान से लगता है कि वो घबराई हुई है। साव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दुर्ग दौरा मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 22 जून को दुर्ग दौरे पर रहेंगे। पंडित रविशंकर स्टेडियम में पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। यहां गृह मंत्री अमित शाह उन लाभार्थियों को संबोधित करेंगे जिन्हें केंद्र सरकार के जन कल्याण योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश भाजपा अमित शाह के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुरुवार को दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और वो यहां लंच भी करेंगे। लंच में अमित शाह को छत्तीसगढ़ी व्यंजन जैसे लाल भाजी, चेच भाजी, छींट के लड्डू, पीड़िया परोसे जाएंगे। इसके अलावा उनके खाने में खिचड़ी भी शामिल की जाएगी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को दोपहर 12:45 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 1:35 पर वो भिलाई के जयंती स्टेडियम पहुंचेंगे और पंडवानी गायक पद्मश्री उषा बारले से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो 2:10 पर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम आएंगे। वो यहां सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद गृह मंत्री मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उनके आने से छत्तीसगढ़ की सियासत जरूर गर्म हो गई है। अब देखना होगा कि अमित शाह के आने पर आखिर बीजेपी को क्या माइलेज मिलता है या नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।